नमस्कार दोस्तों, मैं मिट्ठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट वन के एग्ज़ाम के जो शेड्यूल आए हैं, आपका एग्ज़ाम कब है और किस कॉलेज में आपका सेंटर हुआ है, सारा कुछ आया है जो कि कल ही आ चुके थे, कल शाम में ही आए थे। मैं किसी कारणवश आपको नहीं ये वीडियो बना पाया, लेकिन आज सुबह में हमने इसका जो टेलीग्राम पर सुबह कल मतलब कि शाम में नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो मोबाइल था ना, हमारा मोबाइल बिल्कुल गड़बड़ हो चुका था, मतलब कि अपने आप ऑफ ही नहीं खुल रहा था, तो हमने आज ठीक कराया और फिर आपको हम वीडियो दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम नहीं दे पाए। और एक दो कारण और थे जिसके कारण से एक दो दिनों से वीडियोज नहीं आ रही थी, लेकिन ये वीडियोज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट से बना रहा हूँ, ठीक है। कल नहीं बना पाया, आज मैं आपको बना रहा हूँ लेट से। मैं सब कुछ बतलाऊँगा, आपका कब सेंटर है, सारा डिटेल में वीडियो जानते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग फर्स्ट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपका एग्ज़ाम कब है, और हम साथ में लास्ट में बात करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड भी कब आएंगे, ठीक ना, आपका जो है एडमिट कार्ड वो भी कब आएंगे। और सभी ऑनर्स के लिए हम VVI गेस्ट दे रहे हैं, तो और वीडियोज लगातार अब आएंगे, तो आप तैयारी कर सकते हैं इस प्रकार से भी, ठीक ना। तो हम सारा चीज़ बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले कि जिसका भी, जैसे कि मान लीजिए आपका ग्रुप ए में, देखिए जैसे ग्रुप ए में आपका, इसमें अगर सब्जेक्ट का आपका जो भी ऑनर्स हैं वो हैं, या इसमें है, बी में है, या सी में है, या डी में है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ग्रुप ए, बी और सी और डी और ई और एफ, इस प्रकार से है। जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप ए का पेपर वन, तो ग्रुप ए कहाँ पर है, तो ग्रुप ए में जो है, ग्रुप ए का, ग्रुप ए में जितने सारे सब्जेक्ट हैं उसका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है वो आपका होगा, कब होगा आपका एग्ज़ाम, वो आपका एग्ज़ाम होगा 4 तारीख को, 4 तारीख को ग्रुप ए वाला का फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम होगा। ध्यानपूर्वक समझिए, ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर फर्स्ट सीटिंग में होगा, और आपका एग्ज़ाम कब से कब तक, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, ठीक है, एक मतलब 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। इसके बाद सेकेंड सीटिंग में होगा ग्रुप बी का पेपर वन, जो कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा सेकेंड सीटिंग में। यहाँ पर देखिए ग्रुप बी वाला का, ग्रुप बी वाले का इतने सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट में अगर आपका मतलब कि ऑनर्स हैं, तो ये सब होंगे कब होंगे, ये आपका होंगे 5 तारीख को, मतलब 4 तारीख को ही सेकेंड सीटिंग में ग्रुप बी वाला का। ग्रुप सी वाला का जितने सारे विषय हैं, इसमें से अगर आपका ऑनर्स हैं, तो आपका होगा 5 तारीख को पेपर वन, ठीक है। और ग्रुप डी वाले का, इसमें से अगर सब्जेक्ट हैं आपका, तो वो होगा 5 ही तारीख को सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। अगर ई में है आपका, तो ई वाला का एग्ज़ाम होगा कब, ई वाला का एग्ज़ाम आप यहाँ पर देख पाओगे, ई वाला का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट सीटिंग में कब, 7 तारीख को। और एफ वाले में जिसका एग्ज़ाम होगा, एफ वाले में अगर है, तो आपका सेकेंड सीटिंग में होगा पेपर वन। तो इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम है। फिर 8 तारीख को ग्रुप ए वाला का सेकेंड पेपर, फिर 8 तारीख को ग्रुप बी वाले का सेकेंड पेपर, फिर 9 तारीख को ग्रुप सी वाले का सेकेंड सीट मतलब कि सेकेंड पेपर, और डी वाले का सेकेंड पेपर, फिर 10 तारीख को ग्रुप ई वाले का सेकेंड, और एफ वाले का सेकेंड सीटिंग में सेकेंड। तो आपने को हम सारा कुछ बतला दिए, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का अन्य डाउट होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, मतलब कि आप हमें बोलिएगा, तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आप इतना समझ चुके हैं कि आपका जो है ऑनर सब्जेक्ट कब है, कब है समझ चुके होंगे सारा कुछ, फर्स्ट सीटिंग में है कि सेकेंड सीटिंग में है, कितने बजे से है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जो आएंगे, एडमिट कार्ड पर आपका फर्स्ट सीटिंग तो लिखे रहेंगे, लेकिन कितना बजे से हैं ये नहीं रहते हैं, ये आपका इसी पर रहते हैं, ठीक है, कि इतना बजे से आपका एग्ज़ाम है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद हम समझते हैं कि आपका सब्सिडरी और जनरल पेपर का एग्ज़ाम जो है वो कब है, वो ध्यानपूर्वक समझिएगा। कि जैसे कि 11 तारीख को आपका इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, और सेकेंड सीटिंग में इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो आप अपने हिसाब से देख पाओगे कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है। वैसे एडमिट कार्ड पर भी आपको रहेंगे ही, एडमिट कार्ड में जब जारी की जाएगी, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती है, जो आपका फर्स्ट सीटिंग में एग्ज़ाम रहेगा, और उसमें रहेगा लिखा एडमिट कार्ड में सेकेंड सीटिंग में, सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम होगा, और आपका एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा फर्स्ट सीटिंग में,
तो आपको कब डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड कैसे करना है, सब चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ जाइए कि जित जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, जिस जो भी सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम उसी दिन होगा, ठीक है। तो यही मेन होता है, यही एग्ज़ाम प्रोग्राम लिस्ट जो होता है यही मेन होता है, और इसी को देखकर आपको एग्ज़ाम में जाना है। हो सकता है कि एडमिट कार्ड में थोड़ा आपको फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में चेंज हो, तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब जानते हैं हम कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर हुआ है, आपको कैसे पता करेंगे। चलिए हम पहले मधुबनी से शुरू करते हैं, दरभंगा से। तो देखिए दरभंगा का जो है, दरभंगा से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दरभंगा से शुरू करना भी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, जितने जैसे सीएम साइंस कॉलेज में जो तीन कॉलेज है, इन तीनों कॉलेज का सेंटर हुआ है, किसका, एमएलएसएम का, बीएमए का और इस कॉलेज का। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि आपका सेंटर कहाँ हुआ है। जैसे कि एलसीएस में किसका किसका सेंटर हुआ है, तो एलसीएस में एक एक कॉलेज का हुआ है, सीएम कॉलेज दरभंगा का है। तो इस प्रकार से आप देखो, जैसे सीएम कॉलेज में किसका किसका सेंटर हुआ है, तो एमके कॉलेज, एमकेएस कॉलेज का, एन झा कॉलेज, महिला कॉलेज का, और सब डिविजनल डिग्री कॉलेज का। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे। तो इसी प्रकार से आपका जैसे दरभंगा का है, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए, हमने आपको बताया भी, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके वहाँ पर आप देख पाइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब कब है, सब कुछ, ठीक ना। और यहाँ से हम इसे, और जैसे कि यहाँ पर आपको मधुबनी का भी है, मधुबनी का भी आप देख पाओगे कि आरके कॉलेज में किसका किसका सेंटर हुआ है, इतने जो पाँचों कॉलेज हैं इसका सेंटर इसी कॉलेज में हुआ है, ठीक है। वैसे आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखे ही रहेंगे। तो इस प्रकार से है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे समस्तीपुर का भी इसी प्रकार से है, इसमें जित तीनों कॉलेज का इस कॉलेज में हुआ है, फिर इसमें इस कॉलेज का इसमें हुआ है, जो आपको जैसे कि देखिए ये दो कॉलेज का हुआ है इस कॉलेज में, तो इसी प्रकार से आपको देखना है। जैसे कि इस कॉलेज में, इस कॉलेज में ये कॉलेज और ये कॉलेज दो कॉलेज का हुआ है, इस प्रकार से आप देख पाओगे, ठीक ना। इसके बाद हम चलते हैं बेगूसराय में, तो बेगूसराय में भी इस प्रकार से इस कॉलेज में हुआ है इन दो तीनों कॉलेज का, इन तीनों कॉलेज का, फिर इस कॉलेज में हुआ है इन दोनों कॉलेज का। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि आपका एग्ज़ाम कब है और किस कॉलेज में आपका सेंटर हुआ है। और अब बात कर लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड सर कब आएंगे, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड के लिए भी आप लोग बहुत देख पा रहे होंगे, ये सब नोटिस जारी की गई है, जो कि आपको कल ही जारी की गई थी, 19/7 लिखी हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड कब जारी करेंगे। देखिए एडमिट कार्ड जो है आप सभी का बहुत जल्द अब जारी हो जाएगी, ठीक ना। आपका जो है एग्ज़ाम से अभी कोई डेट अभी इसके रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन एक दो दिनों में हम आपको बतला देंगे, चैनल से जुड़े रहिए। 5 से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। कब आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ हम आपको बतलाएंगे डिटेल में। अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुड़ जाइए, VVIGS हम आपको दे ही रहे हैं, हमने एक दो टॉपिक पर वीडियोज बनाए हैं, उसका लिंक हम हो सकता है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप सब कुछ वहाँ से कर लीजिएगा। और उसे वीडियो जाती रहेगी, सभी विषय को लेकर हम वीडियोज बना रहे हैं, सभी ऑनर्स पर गेस आपको दे रहे हैं, और सब्सिडरी के लिए भी हम काम करेंगे। और ऑनर्स का सबसे पहले आप तैयारी कीजिए, मेन ऑनर्स ही होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए, लाइक तो करना ही है, लाइक कीजिए, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।